चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास आज का एक हमारा टॉपिक है इसको हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल से ठीक है आइए शेयर कैपिटल का मीनिंग पहले देख लेते हैं शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाई द कंपनी बाई द इशू ऑफ शेयर मैनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट वेयरिंग समू द कंपनीज कैपिटल येट देयर इज नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन ध्यान समझिए इस बात को कि शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जो भी कैपिटल रेज करे उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं और ये कैपिटल जो कंपनी रेज कर रही है ये शेयर बेचकर कंपनी अपने शेयर्स लोगों में सेल कर रही है ऑफर कर रही है और उससे जो पेमेंट पैसा मिल रहा है वो कंपनी एज अ कैपिटल इस्तेमाल करेगी इसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि कोई सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं है ये तो शेयर की बात हो गई और भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं इंस्टीट्यूशन होती हैं जो किसी कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हैं अब इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता वही अकाउंट होता है जिसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम देते हैं यानी कि शेयर बेच के जो पैसा आया उसको भी हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर उसको उसमें हम रखते हैं या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कंपनी जब पैसा यू नो बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं तो भी हम उसको एक कॉन्सोलीटेड मतलब इकट्ठा करना है, एक साथ रखना ठीक है एग्रीगेट कह सकते हैं आप इसको इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल चलिए अभी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े शेयर कैपिटल हमने समझा कि वैसी कैपिटल जो कंपनी अपने शेयर बेचकर इकट्ठा करती है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं अभी इस शेयर कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्रकार होते हैं कुछ उनमें से कुछ को हम पढ़ने वाले हैं यहां पे पहला है ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल देखिए तीनों नाम आपको याद होने चाहिए ऑथोराइज रजिस्टर्ड या नॉमिनल क्या मतलब होता है ऑथोराइज समझने के लिए अभी हम सिर्फ ऑथोराइज पे ही ध्यान देते हैं एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं नाम ऑथोराइज ऑथराइज कैपिटल रिफर्स टू दिच इज स्टेटेड स्टेटेड मतलब होता है बताया हुआ या लिखा हुआ इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एम ओ ए कंपनी के एम ओ ए में लिखी गई बात है ये ये कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी होगी कि एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल रेज कर सकती है यानी कितना कैपिटल लोगों से मांग सकती है ठीक है, इसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल देखिए, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी को ऑथोराइज करने की अनुमति मिलती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इतने पैसा जितना भी उसने ऑथोराइज कैपिटल में लिख रखा है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उतना कैपिटल वो लोगों से मांग सकती है बदले में अपने शेयर्स इशू करके ठीक है तो ये है पहला काइंड हमारे शेयर कैपिटल का दूसरा पढ़ेंगे इशूड कैपिटल पहला पढ़ा हमने ऑथोराइज अब दिख रहा है हमें इशूड इशूड कैपिटल क्या होता है इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज नोन एज अन यूज या फिर अन इशूड कैपिटल ध्यान समझिएगा एक बात कि समझिए ऐसे आप कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल बहुत बड़ा होता है उसमें से कुछ हिस्सा उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी क्या कहती है कि हम इसको पब्लिक के लिए इशू करना चाहते हैं मतलब पब्लिक इस हिस्से में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है तो ये जो छोटा सा पोर्शन है पूरे ऑथोराइज का इसको बोलते हैं इशू कैपिटल ठीक है ऑथोराइज कैपिटल एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में लोगों से मांग सकती है या अपने शेयर्स बेच के इशू कर सकती है अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसमें से कितना पोर्शन वो लोगों के लिए अलाउ करे सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब कितना हिस्सा कंपनी लोगों को बता रही है कि आप इतने हिस्से के लिए आ सकते हो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी ने किसी कंपनी ने अपना ऑथोराइज कैपिटल रखा है ऑथोराइज कैपिटल पहला वाला फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ ठीक है पंद्रह सौ करोड़ की उसने अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात बता रखी है कि पंद्रह सौ करोड़ रुपए मैं अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकता हूँ लोगों से मांग सकता हूँ अब डिपेंड करता है कंपनी कि कितना इशू कर रही हो सकता है पंद्रह सौ करोड़ तो ऑथोराइज है बट इशू करने की जब बात आई तो कंपनी कह रही है कि पंद्रह सो करोड़ की अभी हमें कोई नीड नहीं है हमें अभी सिंपल पांच सौ करोड़ की नीड है तो कंपनी केवल पांच सौ करोड़ मांगेगी अब ये जो पांच सौ करोड़ कंपनी मांग रही है इसको बोलते हैं ईशू कैपिटल ठीक है इसको बोलते हैं इशुड कैपिटल क्लियर होती है यहां तक बात दूसरा टाइप हमारा इशूड कैपिटल था चलिए आइए अब तीसरे टाइप को समझ लेते हैं यहां पे तीसरा है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल वो पार्ट है कैपिटल का अगेन ऑथोराइज कैपिटल का कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी लोगों के लिए ऑफर करती है ऑथोराइज का हिस्सा इशूड कैपिटल था अभी इशूड कैपिटल का हिस्सा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल ठीक है वो सब्सक्राइब कैपिटल है समझते हैं विच हैज बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक इफ से एग्जांपल दे दिया इसने हम अपने एग्जांपल पे स्टिक रहते हैं मैंने बताया आपको कंपनी ऑथोराइज कर रही है कितना कैपिटल पंद्रह सौ करोड़ अपना एग्जांपल चल रहा था कंपनी की अथॉरिटी है कि अपने लाइफ टाइम में पंद्रह सौ करोड़ लोगों से इशू कर सकती है रेज कर सकती है अपने शेयर इशू करके अब मैंने कहा कि कंपनी ने कहा कि अपने पंद्रह सौ करोड़ की नीड नहीं है अपन को पांच सौ करोड़ की नीड है तो पांच सौ करोड़ इशू करते अभी उस करोड़ में से कितने लोगों ने शेयर खरीदा हो सकता है पांच सौ करोड़ ने पूरे के शेयर बिक गए माइट बी अ केस बिल्कुल हो सकता है यह भी तो हो सकता है कंपनी ने पांच सौ करोड़ रुपए के शेयर ऑफर किए और लोगों ने खरीदे साढ़े चार सौ करोड़ के तीन सौ करोड़ के ये भी एक केस हो सकता है तो हमें यह पढ़ना जरूरी हो जाता है कि भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है इशू तो आपने किया पांच सौ करोड़ बट लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया कितने शेयर आपके कंपनी के खरीदे ये भी तो देखना होगा इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल ठीक है फिर आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली अप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली अप भी एक टाइप है क्या मतलब होता है इसका आइए समझते हैं वेन द एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाई द कंपनी एंड ऑल्सो पेड अपर होल्डर इट इज सेट टू बी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल इस बात को समझिएगा कि जो भी शेयर का फेस वैल्यू होता है या नॉमिनल वैल्यू होता है फॉर एग्जाम्पल अपने केस में जो हमने पांच सौ करोड़ के शेयर इशू किए थे एक शेयर की कीमत थी उसमें सौ रुपए फेस वैल्यू थी सौ रुपए पांच सौ करोड़ का शेयर उसकी शेयर की कीमत हो गई अपनी 100 ठीक है अभी उस 100 में कंपनी ने कितना पैसा मांगा और लोगों ने कितना पैसा दिया अगर कंपनी ने सौ का शेयर था तो क्या अलग अलग होता है बिल्कुल सौ का शेयर है तो कंपनी डिपेंड करता है कंपनी को कितनी नीड है हो सकता है कंपनी को एटी रुपीज की नीड हो पर शेयर पे पर शेयर पे तो कंपनी ए मांगेगी या कंपनी को पूरे सौ रुपए की नीड हो कंपनी सौ रुपए कॉल करेगी तो कॉल्ड अप कितना हुआ कंपनी ने मांगा कितना और लोगों ने सब्सक्राइबर्स ने पे किया कि नहीं पूरा जितना कंपनी ने मांगा अगर कंपनी ने सौ मांगा तो सब्सक्राइबर को भी सौ देने पड़ेंगे कंपनी अस्सी मांगती है सब्सक्राइबर को तो अस्सी देना पड़ेगा कंपनी साठ मांगती है सब्सक्राइबर को साठ देना पड़ेगा ठीक है तो ये जो हमारा टाइप है ये कहता है सब्सक्राइब मतलब लोगों ने सब्सक्राइब तो किया और जितना पैसा कंपनी ने मांगा उतना पे भी कर दिया इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है यहां तक बात समझ में आती है इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। आइए आगे समझते हैं बहुत आसान। इसका मतलब लोगों ने शेयर तो किया और कंपनी ने पैसा मांगा बट सब्सक्राइबर्स ने पूरा पैसा दिया नहीं, नहीं हो सकती है ना बात आइए पढ़ते हैं शेयर आर सेप्ट टू बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल अभी क्या है इसके भी अंदर इसने टाइप बना दी मतलब कि सब शेयर्स क्या है सब्सक्राइब हुए हैं बट पूरा पैसा उन उनपे अभी तक नहीं मिला या तो कंपनी ने मांगा ही ना हो या लोगों ने अभी तक दिया ना हो दो शेयर हो सकते हैं या तो कंपनी ने अभी ही मांगे हो सौ का शेयर था पैंसठ मांगे हो तभी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ ना फुल्ली पेड अप हुआ या कंपनी ने मांग लिया है सो बट लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया ये भी क्या है नॉट फुल्ली पेड अप ठीक है अच्छा चौथा टाइप भी है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से कॉल्ड अप कैपिटल means सच पार्ट ऑफ subscribed कैपिटल विच has कॉल्ड बाई द डायरेक्टर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट कॉल्ड अप देखो नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कॉल्ड अप मतलब मंगवाना या मांगना है ना इसका मतलब है कि कंपनी के डायरेक्टर्स एक शेयर पे पैसा मांग चुके ठीक है कॉल्ड अप कितना भी हो सकता है ये बात यहां बताई जा रही है जो कि विच बीन कॉल्ड विच बीन कॉल्ड बाई द डायरेक्टर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स मतलब कि शेयर होल्डर के द्वारा सॉरी डायरेक्टर्स के द्वारा पैसा मांगा जा चुका है ठीक है उस उस कैपिटल को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल पांचवा टाइप है हमारा पेड अप कैपिटल पेड आप देखिए वर्ड क्या है पेड द टर्म पेड अप रिफर्स टू इस शब्द का मतलब है पेड अप का मतलब है द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं हमारा एक शेयर सौ रुपए का था ये शेयर का फेस वैल्यू इसमें से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इस पर एटी रुपीज मांगे तो एटी क्या हो गया एटी हो गया आपका कॉल्ड अप कितना मांगा गया एटी हो गया कॉल्ड अप कैपिटल पेड़ अप मतलब इस एटी में से इस एटी में से शेयर होल्डर ने दिया सेवेंटी फाइव इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल तीन चीजें हो गई स्क्रीन पे दिख रही है आपको सौ रुपए का फेस वैल्यू है इसमें से मांगा गया डायरेक्टर्स के द्वारा अस्सी रुपए और शेयर होल्डर ने पे किया सेवेंटी फाइव इसको बोलते हैं पेड अप सेवेंटी फाइव को बोलेंगे पेड अप एटी को बोलेंगे कॉल्ड अप ठीक है अच्छा एक और टाइप है अपने पास कैपिटल का रिजर्व कैपिटल ठीक है थोड़ा सा यहां से मैं मिटा दू हां रिजर्व कैपिटल को क्या बता रहा है बताए देखेंगे जरा यहां पे इज द कैपिटल डेट इज नॉट रिसीव्ड बाय एनीवन द शेयर होल्डर कैन गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिजर्व कैपिटल रिजर्व बी इट ऑफ एनी काइंड ज एसेंशियल फॉर द कंपनी द कंपनी फाइनेंशियल पोजिशन इज इंप्रूव थ्रू रिजर्व क्रिएटेड बाई द कंपनी रिजर्व कैपिटल मतलब होता है देखिए इसके नाम नहीं है रिजर्व रिजर्व का मतलब ये होता है कि अपन कुछ पैसा अलग से रिजर्व में रखते हैं कंपनी भी रखती है अभी इस पैसे से क्या होता है कंपनी के लिए तो पहली बात बहुत जरूरी होता है शेयर होल्डर कैन गेट यहां पर देखना कैन गेट लिख यहां पर सी एन कैन कैन गेट देर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिजर्व कैपिटल शेयर होल्डर को उनका प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व कैपिटल से भी मिल सकता है ठीक है भी लगाया भी मिल सकता है द कंपनी इज फाइनेंशियल पोजिशन इंप्रूव थ्रू द रिजर्व क्रिएटेड बाई द कंपनी जाहिर सी बात है अगर कंपनी का रिजर्व बहुत ही अच्छा हो बहुत रिच हो तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है कंपनी अपने आने वाले लाइबिलिटीज को मीट कर सकती है उसको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे है ना तो आप डिविडेंड अनाउंस करना चाहते हैं अगर आपके पास प्रॉफिट का थोड़ा पोर्शन कम आया है तो भी आप इस रिजर्व से पैसा दे सकते हो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना चाहती है डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा समझ लीजिए आप अगर मान लो इतना पैसा आया नहीं है देने के लिए तो रिजर्व कैपिटल से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के अपन दे सकते हैं डिविडेंड कोई को पेमेंट करना हो तो हम कर सकते हैं यहाँ से बात समझ में आई तो ये है टोटल छः प्रकार छे हमने किसके शेयर कैपिटल के ठीक है शेयर कैपिटल के